हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी और वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज हम देखेंगे ये फूल कैसे बनाएंगे, क्रोचेट फ्लावर। बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये, बहुत ही इजी है और बिगिनर्स के लिए है ये बेसिक्स। क्रोचेट फ्लावर्स कैसे, ये चलिए कैसे बनाते हैं देखेंगे। ये हम मैजिक लूप से बना सकते हैं, नहीं तो चेन डाल के भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्लिप नॉट बना रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने यहाँ पे 7 चेन्स ले लिए हैं और 7 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट चेन के अंदर हम वो इंसर्ट करके डाल के हम यहाँ स्लिप नॉट बना के एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस रिंग फॉर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे हम 4 चेन डालेंगे, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट स्टिच कैसे करेंगे देखेंगे फ्रेंड्स। ऐसे 2 बार हम हुक को लपेटेंगे और इस होल में से डालेंगे हम उनको खींच के। पहले 2 फर्स्ट 2 लूप से हम उनको निकालेंगे ऐसे और लास्ट 2 के ऐसे ही हम 3 बार करेंगे। 3 ट्रबल क्रोचेट स्टिच डालेंगे हम। अब हमारे 2 हो गए और एक डालेंगे, देखिए 3 ट्रबल क्रोचेट स्टिच। देखिए ये ट्रिपल क्रोचेट स्टिच और हम इसमें नेक्स्ट 4 चेन्स डालेंगे, 1, 2, 3, 4 4 चेन्स हमें डालेंगे। फिर अब यहाँ पे हम नीचे इस रिंग के अंदर से हम एक यहाँ पे सिंगल क्रोचेट स्टिच बना लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा एक पेटल, हमारा फ्लावर का एक पेटल रेडी हो गया है। अब ऐसे ही हम और जितना चाहे पेटल्स बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4 चेन हमने डाल दिए, फिर ट्रिपल क्रोचेट, 3 ट्रिपल क्रोचेट डालने हैं हमें, 1, 2, 3। फिर हमें 4 चेन, 1, 2, 3 और 4 4 चेन कर लिए हमने। और फिर यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच करना है सिंगल क्रोचेट स्टिच करके, स्लिप स्टिच करना है। हमारे 2 पेटल हो गए, 1, 2, 3, 4 ये हमारा तीसरा पेटल रेडी हो रहा है। फिर हमें ट्रिपल क्रोचेट स्टिच 3 डालने हैं। दो हो गए हैं, 3। अब हम 4 चेन्स, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हमें हम ये थोड़ा सा हम इसे पीछे साइड करते जाएंगे उनको पेटल्स को, ताकि हमें जितने चाहे उतने पेटल्स इस रिंग के ऊपर सेट हो सके। तो अगेन 4 चेन्स, 1, 2, 3 एंड 4। अगेन हम
तीन डबल क्रोचेट ट्रबल क्रोचेट स्टिच डालेंगे। देखिए और एक डालेंगे, अब हम फोर चेन्स, 1 2 3 एंड 4। फिर हम इसको इस पेटल्स को थोड़े से साइड कर देंगे ताकि हमारा पांचवा पेटल भी फिट हो सके इस रिंग के ऊपर। 1 2 3 एंड 4। अगेन हम यहाँ पे दो डबल क्रोचेट स्टिच डालेंगे, सॉरी ट्रबल क्रोचेट स्टिच, एक हो गया ये दूसरा, सॉरी ये तीसरा, और हमारा लास्ट चेन 3 एंड 4। फोर चेन्स डाला हमने। फिर इस रिंग के बीच में से हम एक सिंगल क्रोचेट स्टिच का, देखिए हमारे पांच पेटल्स पूरा हो गए। अब हम उनको कट कर लेंगे और इसे खींच लेंगे ताकि हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाए। फिर हम स्टेल और इसको एक नॉट लगा देंगे, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। देखिए ट्रबल क्रोचेट स्टिच यूज करके हमने ये फ्लावर रेडी किया है। ये आप ड्रेस पे से लगा सकते हो या टी शर्ट्स पे लगा सकते हो या हेयर बैंड, ऐसे जो ब्लैक हेयर बैंड है इस पे आप जस्ट अटैच करके पीछे से आप टाई कर सकते हो यहाँ से, और नहीं तो आप ऐसे जो टिक टैक क्लिप्स रहते हैं क्लिप्स के ऊपर आप जस्ट अटैच कर लो, आपके फ्लावर को दो दो जोड़ सकते हो। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं टाइनी फ्लावर्स। देखिए क्लिप के ऊपर जैसे भी आपके इमेजिन के हिसाब से, तो ये था हमारा फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर, सिंपल सा फ्लावर। ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।